नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हम आए हैं घूमने भारत मंडपम, यानी कि G20 समिट यहाँ पर हुआ है और देश विदेश के यानी कि 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर विजिट किए हैं। और जैसे कि आप लोग तमाम न्यूज़ों में देखा होगा कि बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा बनाया गया है। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आज हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, मेन गेट तक लेकर चलेंगे, जितनी खूबसूरतियां हैं यहाँ की उन सब चीजों को दिखाएंगे। शुरू करते हैं हम यहीं से। ये अभी बैक है, पीछे हैं हम, लेकिन हम मेन डोर पे भी लेकर चलेंगे, मेन गेट पे भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो लोग विजिट करते हैं उनसे भी बात करेंगे कैसा है क्या है, तो बने रहिए और आइए हमारे साथ। जैसे फवारों की बात की जाए तो फवारे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कलर लाइट मारे गए हैं जो सुंदरता है, यानी कि भारत मंडपम की जो सुंदरता है इन पानी के फवारे व जो है कलर लाइटों की वजह से बड़ा जबरदस्त लगता है। तो ऐसे ऐसे तमाम फवारे लगे हुए हैं किनारे किनारे में, तमाम तरह के सब कुछ है। तो बने रहिए इस ब्लॉग पर और एक एक करके हम दिखाते जाएंगे। बाकी अगल बगल के सड़कों को भी आप देखोगे तो बड़ा जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। तो आइए हमारे साथ में संजय जी जो हमारे कैमरे को पकड़ रखे हैं और एक एक करके यहाँ पर, अभी कोई पार्किंग का तो वैसे व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग जैसे आते हैं बाहर से घूमने के लिए तो अपनी अपनी गाड़ियों को साइड में लगाकर देखने और घूमने की कोशिश करते हैं। शाम के टाइम ही हम आ गए थे, काफी पहले आ गए थे तो बहुत कम लोग यहाँ पर थे, विजिट बहुत कम हो रहा था, भीड़ बहुत कम था, लेकिन इतना टाइम तक बहुत ज्यादा भीड़ बन चुका है। ये वाला जो है दृश्य आपने देखा होगा बहुत से न्यूज चैनलों पर, बहुत से टीवी वगैरह में, लेकिन अब नाइट में कितना जबरदस्त लगता है। दोस्तों ये है प्रगति मैदान और यहाँ का जो नजदीकी मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं देखने के लिए, तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बार इसको दिखा देते हैं, यह एक गेट है, वैसे एंट्री गेट नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आउट साइड का गेट है, बैक साइड का गेट है। एंट्री गेट उधर है जो मेन गेट है, वहां पर भारत मंडपम का बड़ा सा गेट लगा हुआ है, ढेर सारे फवारे ऐसे लगे हुए हैं, हम सब एक एक करके दिखाते हैं यहाँ पर। आइए बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम हैं भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान, नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट। कोई भी आना चाहता है, कहीं से भी आता है, तो अभी दो तीन दिन से तो बंद ही था लेकिन अब जो है शुरू हो गया है, तो लोग धीरे धीरे विजिट करना शुरू कर चुके हैं। मैंने पहले फवारे से आप लोगों को दिखाना शुरू किया था, एक दूसरा फवारा फिर आ गया है और हम कोशिश करेंगे कि संजय जी आप थोड़ा उधर से जाके दिखाइए, थोड़ा उधर से जाके, क्योंकि जब आप थोड़ा उधर जाओगे और फिर इस साइड में घुमाओगे कैमरा तो बड़ा मस्त लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके इस कैमरे को जब आप घुमाते हैं तो जो सुंदरता है, हम थोड़ा करीब से दिखाना चाहेंगे। आइए, वैसे सब लोग देख लिए होंगे, करीब से लेकर चलेंगे क्योंकि फोटो खिंचाने के जो है भीड़ लगे होते हैं, बहुत से लोग आए हैं देखने के लिए तो लोग देखेंगे ही, फोटो खिंचाएंगे भी, तमाम तरह के जो है खूबसूरत चीजें, यानी कि कैमरा में जबरदस्त आता होगा। संजय जी थोड़ा उधर जाइएगा आप और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अभी तो ये शुरुआत है, बाकी आगे आगे दिखाते चलेंगे भारत मंडपम का जो खूबसूरती है। एक सेल्फी किट बनाया गया इधर भी सेल्फी के लिए, लोग यहाँ पर खड़ा होकर सेल्फी खिंचाते हैं, ये भी दिखा दीजिए। और हम लोग थोड़ा उधर से आते तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन चलिए घूमते टाइम में इसको दिखाएंगे कैसा लग रहा। बाकी आइए हमारे साथ, बने रहिए। संजय आप उस साइड से चलोगे, हम थोड़ा इस साइड से चलेंगे, कैमरा घुमा के रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा गेट पे एक उस साइड में बड़ा सा फवारा था और एक इस साइड में कलर वाला बड़ा सा फवारा है, लेकिन जब इस गैलरी की बात की जाती है यानी कि गैलरी जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं तो ऐसे सिंगल फवारे जिनमें लाइट लगे हुए हैं बड़ा अच्छा लगता है। आइए हम दिखाते चलते हैं। और इस साइड में अगर रोड साइड में देखा जाए तो सभी देशों के झंडे लगे हैं, सबसे पहले इंडिया का लगा है, उसके बाद किसका लगा है, उसके बाद किसका लगा है, उसके बाद किसका लगा है, वैसे जानकारी नहीं है, लेकिन बीच बीच में सबका झंडा लगा हुआ है यहाँ पर। और तमाम वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, और ये सब जो है G20 समिट के सदस्य हैं। G20 समिट जो है सक्सेसफुल हुआ है,
इतना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी बहुत कुछ चीजें हैं हम दिखाएंगे सुंदरता, मेन गेट पे लेकर चलते हैं, वहाँ और जबरदस्त लग रहा है। क्योंकि अभी दो दिन पहले ही ये ब्लॉग G20 समिट खत्म होने से दो दिन बाद हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आना यहाँ पर अलाउ नहीं था, यानी कि उससे पहले हम लोग नहीं आ सकते थे यहाँ पर। अभी खुला है और जैसे ही खुला है तैसे लोग विजिट करना शुरू कर दिए हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको। जैसे एक बड़ा सा फवारा उधर, फिर उस गेट के बगल में बड़ा सा फवारा, और उसके बाद काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने फवारे हैं, छोटे छोटे वाले। बड़ा सा फवारा के बाद फिर एक छोटा, 1, 2, 3, 4, 5 छोटे वाले फवारे, यानी कि सिंगल फवारे, और उसके बाद फिर एक बड़ा सा फवारा। हम देखते हैं कि 5 छोटे वाले फवारे यानी कि सिंगल फवारे के बाद जो आपका बड़ा सा फवारा आता है, यानी कि 5-5 की काउंटिंग पे, हर एक 5 की काउंटिंग पे आता है। आइए बने रहिए, दिखाते हैं उसे। 1, 2, 3, 4, 5 पांचवे के बाद फिर एक बड़ा सा फवारा हमें किनारे देखने को मिल गया है। हम यहाँ पर खड़ा होकर थोड़ा सा फोटो खिंचा लेते हैं, क्योंकि सभी खिंचा रहे हैं, सब तरफ भीड़ है। और ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं जब इसमें कलरफुल लाइटें जलती हैं। वैसे आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। बाकी चलते हैं, देखिए एक बार आप दिखा दीजिए सड़क पे, G20 करके लाइट से बढ़िया से रोड के ऊपर सजाया गया। भले ही कैमरे में थोड़ा ढंग से ना दिखता हो, लेकिन ये सब अंडरग्राउंड वाला जो रोड है उस पे है। सामने एक फ्लाई जो ओवरब्रिज है रोड को क्रॉस करने के लिए, उस पे भी बनाया गया है। बाकी अच्छा लगता है। चलिए और दिखाते हैं। जैसे 5 पे मैंने काउंटिंग खत्म किया था, फिर से हम 5 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। इस बार संभवतः 4 पे ही आ जाएगा या एक और है, आगे चल के देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि उस गेट से जो बड़ा वाला फवारा था, उससे 5 फवारे के काउंट के बाद फिर एक बड़ा सा फवारा है। तो मैंने सोचा एक बार काउंट किया तो वो वाला फवारा मुझे नहीं दिख रहा था, दिखा दो एक बार भाई, वो वाला फवारा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है 4 ही छोटे फवारे के बाद एक 5वां फवारा हो, लेकिन 5 है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 5वें के बाद फिर एक गेट है, यानी कि मेन गेट है। मेन गेट पे लेकर चल रहे हैं। 5वें छोटे वाले फवारे के बाद एक बड़ा सा फवारा है, कलरफुल लाइटों के साथ, बड़ा जबरदस्त लगता है। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के कहीं बाहर हैं तो एक बार विजिट जरूर करिए, मजा आ जाता है एकदम। मान के चलिए कि मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे कहें, यानी कि बड़ा अच्छा लगता है। आइए, ये है 5वां फवारा, उसके बाद एक बड़ा सा गेट है, और बड़े से गेट के जस्ट सामने आप देखोगे उधर लिखा हुआ है वेलकम G20 इंडिया, वहां से भी दिखेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं वैसे मेन गेट पे, थोड़ा और करीब से भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक बार इस फवारे को दिखा दो, मेन गेट के जस्ट सामने है। ये मेन गेट का बगल का फवारा है, और सामने से भी दिखाएंगे। सामने से अभी कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो G20 समिट से सजाया गया था, जो मेन डोर सजाया गया था, जो फूल वगैरह लगाए थे, वो भी वैसे के वैसे लगे हैं। आइए दिखाते हैं, थोड़ा सूख तो गया है लेकिन वैसे का वैसा ही है। वो तो मोबाइल वाले देना। संजय आ जाओ, थोड़ा वहां जाओ, और पीछे जाओ। सुनो संजय, पहले ही दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेन गेट पे, यानी कि आप देख रहे होंगे प्रवेश द्वार, भारत मंडपम, यानी कि भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पे हैं। अभी जैसे कि दो दिन पहले ही G20 समिट समाप्त हुआ है, सक्सेसफुल रहा है, और अभी जो फूल लगे हुए हैं, फूल के जो डिजाइन किए गए हैं गेट पे, जो G20 लिखा हुआ है,
भले ही मुरझाए हुए हैं लेकिन अभी लगे हुए हैं, मतलब ताजा है। आते आ जाइए, थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है वेलकम टू G20 भारत 2023 इंडिया वसुधा कुटुंबकम। तो ये चीजें हमने देखा, फिर इसके जस्ट बगल आपको दिखाते हैं इधर, और आइए मेन गेट पे लेकर चलते हैं। जैसे वहां पर लगा हुआ है फूलों से सजाया हुआ, जस्ट इसी प्रकार से इस साइड में भी लगाया हुआ। यहाँ पर लोग अभी जो है जल्दी में ही खुला है, आजकल में ही खुला है, तो फोटो खिंचाने का होड़ लगा हुआ है, लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं। सर एक मिनट, गाड़ी आ गई है, बैठिए आ गए हैं। ओके सर, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यानी कि मेन गेट पे। मेन गेट जैसे कि आप देख ही रहे हो, उधर ज्यादा भीड़ है, इधर लोग कम हैं, और ये बड़ा सा मेन गेट है, बीच में राउंड है, यहाँ पर सभी देशों के झंडे लगे हैं, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। अगर G20 के सॉरी जो भारत मंडपम के जस्ट गेट से आप देखोगे सामने, तो एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए संजय जी, वो कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इधर भी LED लाइटों से सजाया गया G20, और धरती का अर्थ का मतलब मानचित्र शायद बनाया गया है, और उधर भी G20, और G20 का ये लोगो है बनाया गया है, और बड़ा अच्छा लगता है जब चारों तरफ अगर देखा जाए। तो इधर जो है हम थोड़ा करीब से आप लोगों को लेकर चलेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। संभवतः गेट बंद है, आने जाने का कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत से फोटेज हम खींच रखे हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर वैसे डेली न्यूज इंडिया के माध्यम से हमने बहुत से न्यूज भी काटे हैं, बहुत से लोगों के रिव्यू भी लिए हैं। उनका कहना है कि जैसे हम यहाँ पर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि इंडिया में नहीं, हम विदेशों में हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को भी, आप लोग कमेंट करके दिखा बता सकते हैं। बाकी हम जिस तरफ भीड़ है उधर भी चलेंगे, लेकिन इधर से घूमते हुए चलेंगे, ये वाला एरिया आप लोगों को दिखाएंगे। इधर से लोग तमाम फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, और यहाँ से लेकर आते हैं मेन डोर। मेन डोर ये है, मेन गेट ये है, और वहाँ पर भी मेन गेट है, मतलब वहाँ पर एंट्री होता है, और एग्जिट कहीं और होगा। एग्जिट हमें लग रहा है वहाँ पर था जहाँ हम शुरुआत किए थे, जहाँ से ब्लॉक का शुरुआत किए थे, लगता है एग्जिट वही है। बाकी ये एंट्री गेट है, और आइए थोड़ा करीब से आप लोगों को दिखाते हैं भारत मंडपम। अभी हाल ही में 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ आए थे, अभी 21 हो चुके हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है समिट में जुड़ चुका है। G20 यानी कि G21 हो गया। अब थोड़ा करीब से दिखाते हैं,